सहमति को तैयारी हो मुख्य मुख्य विषय वस्तु में अज सहमति भैसा छाइन जनवरी के सुमूल एकता कसरी करने माथिदी तलसम सिद्धांत विचार को एकता कसरी करने ये विषय वस्तु में इसमें कई बोल भरे पड़ी ये एकता करने भूरा में एटा बाटो तैयार भो बाटो कति दिगो रूप लीला तो अब दिगो रूप लिने संभावना में निके ठूला प्रश्न अब विचार सिद्धांत को कुरा पछाड़ी अरु कुरा अगाड़ी अंक गणित को कुरा अगाड़ी कर जाड़ा अगाड़ी गोरु पछाड़ी भो कुछ उल्टो कुरा भो इस कारण इसमें जटिलता आने संभावना ज्यादा देख अब जो गृह कार्य नहीं अपने जो एकदम तैयारी को चरण में मत भाई ते कर पांच महीना लगे रि बेला ये मत पुगे उन्नी अब सैद्धांतिक मत हो कि भागभंडा को उल्लेख छैन सहमति में अब कसरी अगाड़ी बढ़ा ठीक हो हतारका साथ हतारका साथ को नोक्सानी बिहोने वाला तो नोक्सानी बिहोर न पर्ने करी वहां सलफल थाल् पर्चानी जो अब एवटा को पृष्ठभूमि माओवाद अर्क को पृष्ठभूमि बौद्धरी जनवाद एवटा ने सशस्त्र संघर्ष एकदम गौरवमय ठान्छ अर्क ने निंदनीय ठान्छ जिसको समाधान कसरी हो बारे में अलिकति गहिरो में मिहिनसँग छलफल करें नेपाललाई मुख्यतया नेपाललाई चाहिएको त नेपाल अब कसरी चाहिँ रूपांतरित हुन्छ आर्थिक रूप में सामाजिक रूप में रूपांतरित कसरी हुन्छ राजनीतिक रूप में रूपांतरित तो भयो तर आर्थिक सामाजिक रूप में रूपांतरित होने वहां ने सोचे कमन बाटो के हो ती कुछ बारे वहां गंभीर छलफल करें इसमें बाहर सार्वजनिक बहस भी कर जानूदी एकता दिगो होने संभावना अब यह सरकार बीच में यही कारण विघटन भो एकता टुट्यो तो भाग ठूल कुरा तो होने दुर्घटना हो ठूल दुर्घटना तो नहोस् भन्न को लगी टुप्पी दुवटा पार्टी को टुप्पी बांधे पार्टी एकता जैविक होते अर्गानिक एकता होते नहीं हो यांत्रिक एकता मात्र हो वहां बच्चे जरूरत माओवादी केन्द्र भित्र पनि र एमाले भित्र पनि जुन पार्टी को एउटा तबका का नेता एक अर्काका कटु आलोचक विगत में देखिएका हुन् र अब अहिलेको सहमति में तो यह जो पदीय भागभंडा को कुरा छैन भनेपछि त दिगो होने अर्को नदेखिएको संभावना तो भाई है शीर्ष नेता दुईजन को व्यवस्थापन ने तो पार्टी एकता तो होते तो माधो नेपाल को ठाव कहाँ जलनाथ खनालकर को ठाव कहाँ अरु नेता को ठाव कहाँ यतापटि माओवादी तर नारायण काजी को ठाव कहाँ रामबहादुर थापा बादल को ठाव कहाँ मंत्र भएर त भएन नि एकता कसरी हुन्छ एकता भावनात्मक र वैचारिक कसरी हुन्छ भन्ने कुरा